इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की एक बहुत ही खास डिश, जिसे हम सिर्फ सर्दियों में ही बना सकते हैं। जी हाँ, वो है सरसों का साग, जिसे मैंने पंजाबी स्टाइल में बहुत ही इजी वे में बनाया है। और इसके लिए ली है मैंने सरसों आधा किलो, जिसे मैंने साफ करके पानी से अच्छे से साफ कर लिया है। और इसके ये हमने फूल भी निकाल दिए हैं, क्योंकि इससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है। बथुआ लिया है मैंने 250 ग्राम, इसे भी हमने धो लिया है। पालक भी हमने 250 ग्राम लिया है और मेथी हमने ली है 100 ग्राम। तो इसी क्वांटिटी में आप सारी चीज़ें यूज़ करें तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सरसों को मैंने हल्का सा काट लिया है, ज़्यादा बारीक मैंने नहीं काटा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें काटी नहीं है, ऐसे ही इन्हें यूज़ किया है। अब इस मैंने कुकर में डाल दिया है सरसों, बथुआ और अब ये पालक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही अब हम इसमें मेथी भी ऐड कर देंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक 1 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन और बारीक कटी हरी मिर्चें। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हम हल्का सा इसमें मिक्स कर देंगे। कुकर बंद करके अब हम इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। चलिए हम अब अपना ग्रेवी बना लेते हैं इस साग की। इसके लिए मैंने ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। इसमें मैंने डाला है जीरा, साबुत लाल मिर्च जिसे मैंने टुकड़े कर लिए हैं, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए बारीक कटी प्याज। हल्का सा ही हम इसे सौते करेंगे। और अब हम इसमें फिर से ऐड करेंगे बारीक कटा अदरक, लहसुन 1 चम्मच और कटी हरी मिर्च। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें पंजाबी स्टाइल साग जो हम बनाते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है। उसी का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर इसमें ऐड करिए। इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। और साथ ही मैंने इसमें 3 टमाटर जो कि मैंने चॉप कर लिए थे वो इसमें ऐड कर दिया है। प्यूरी मैंने इसकी नहीं बनाई है। बहुत ज़्यादा मसाले हमें साग में यूज़ नहीं करने, क्योंकि साग का और ये जो अदरक लहसुन डाला है इसी का टेस्ट इसमें ज़्यादा आता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा भुन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस बीच में हमारे साग भी उबल गया है, तो उस पहले हम साग को देख लेते हैं। और ये देखिए साग हमारा बिल्कुल अच्छे से उबल के तैयार हो गया है। अब इसको मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से करना है। हम मथानी का इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैंने इसमें ब्लेंडर से इसको चला लिया है। मिक्सी में अगर आप चलाएंगे तो ये बिल्कुल फाइन प्यूरी बन जाएगा, लेकिन अगर ब्लेंडर से हम चलाते हैं तो जैसे पंजाब में सरसों का साग मोटा मोटा सा थोड़ा सा रहता है, उसी तरीके का ये बनता है। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंगली जितना हमें बारीक करना है बस उतना ही उसको बारीक करेंगे। आप ये देख सकते हो किस तरीके का हो गया ये। अब इसमें ऐड करेंगे हम मक्की का आटा, 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको विस्कर की हेल्प से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें इसके कोई लम्स ना रह जाए। अब ये गरम गरम हमें इसको चलाना है। अब मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें 1 चम्मच मक्की का आटा और ऐड करूँगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे।
और इस मसाले में हम इस साग को ऐड कर देंगे। सारा साग हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब मसाले के साथ इसको हम पकाएंगे। अब साग है तो इसको पकाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम कम से कम 15-20 मिनट और पकाएंगे। कुकर को धो के मैंने इसमें गर्म पानी कर लिया था और वही पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ना तो ज़्यादा फाइन प्यूरी बनी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने मथनी से या रई जो बोलते हैं उससे चला के ही बनाया है। अब हम इसको चलाते हुए लगातार बीच बीच में ढक के पकाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच घी ऐड किया है। घी से इसमें एक बहुत ही बढ़िया ग्लेज आता है और टेस्ट भी इसका बहुत बढ़िया हो जाता है। आप देख सकते हो कि इसमें अभी शाइनिंग आ गई है। अभी इसको हम और पकाएंगे और इसको पकते हुए अब कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं और लगातार मैं इसको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ और आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। चलिए अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का पैन में मैंने देसी घी डाल दिया है। और इसमें मैंने डाला है हींग, अदरक जूलियंस और साबुत लाल मिर्च। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म हमारा साग बनके कितना बढ़िया रेडी हुआ है। खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब है। अब इसके ऊपर हम तड़का डाल देंगे और ये लीजिए बढ़िया गर्मा गर्म साग हमारा बनके रेडी है। मक्की की रोटी के साथ, गुड़ के साथ इसे सर्व करिए और इन्जॉय करिए। बटर डालना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।